नमस्कार बच्चों, मैं हूं हरी सर और एक बार फिर आप सभी बच्चों का चलो कदम बढ़ाए चैनल पर स्वागत है। आइए बच्चों, अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट मेंटल मैथ्स क्वेश्चन बैंक क्लास 8। ठीक है बच्चों, यहां पर दिमागी तौर पर हम इसको सोल्व करना सीख रहे हैं आप। और ये कब कर सकते हैं बच्चों? बिल्कुल ऐसे नहीं है कि जैसे इसमें लिखा है आप बिल्कुल सेम ऐसे ही कर पाएंगे कि आप बगैर कलम के ब्रेन लगाएंगे और इसको सोल्व करेंगे। जी नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी होगी तभी आप इसको सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, आइए देखिए यहां पर आज हम सीखेंगे क्वेश्चन 16 से लेके 20 तक। ठीक है, मैंने यहां पर साइन कर दिया है और ये 5 क्वेश्चन हम इसमें सीखने वाले हैं। आइए मैं इसको करना शुरू करता हूं। देखिए यहां पर सबसे पहले इसको हम लिखना यहां से शुरू करते हैं। सॉल्यूशन है 16। ठीक है बच्चों, यहां पर लिखा है इफ ए इक्वल 5, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ब्रैकेट से बाहर यहां पर ये माइनस का साइन है और ये ब्रैकेट बना हुआ है, लिखा a प्लस 1 और डिवाइड में यहां ये मिस बाई करके बोल सकते हैं, तो यहां पर a लिखा है, ये डिवाइड a, हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए ए इक्वल क्या है 5, तो आपको करना हो क्या होगा, एक बार देखिए मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पर ए प्लस 1, ये एक्चुअली हमारा क्वेश्चन ये है। ठीक है, यहाँ पर ए की वैल्यू है 5, तो आप क्या करेंगे, तो ए की जगह ए की वैल्यू को लिखना है 5 प्लस 1 और नीचे क्या लिख देंगे, यहाँ पर ए है ना, तो ए की जगह ए की वैल्यू को। ठीक है, यहाँ पर आइए ये माइनस का साइन, 5 प्लस 1 कितना होता है 6, 6 बाई 5। ठीक है, आप ब्रैकेट खोल दीजिए तो माइनस 6 बाई 5 ये आपका आंसर आ गया। आइए हम सॉल्यूशन 17 पर चलते हैं और यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना है। पहले मैं लिख लेता हूँ सिंप्लीफाई, देखिए माइनस 15 बाई 14 और यहाँ पर है डिवाइड का निशान। ठीक है बच्चों, और ब्रैकेट गिवन है तो माइनस 5 बाई 21 ये। ठीक है, इस टाइप से ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आइए इसको करना शुरू करते हैं। देखिए माइनस 15 बाई 14 और डिवाइड के साइन को बच्चों मैंने बताया है, जब भी डेसिमल नंबर में या फ्रैक्शन में डिवाइड का निशान हो तो उसको आप मल्टीप्लाई में चेंज कर देना और नेक्स्ट नंबर का रेसिप्रोकल कर देना, मीन्स इसका उल्टा कर देना, साइन माइनस का ऊपर ही रखें तो ये 21 बाई 5, इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर 5 की टेबल से हो रहे हैं तो 5 वन जा 5 और ये 5 थ्री जा 15। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये 7 से हो रहे हैं तो 7 से कर देते हैं, 7 टू जा 14 और 7 थ्री जा 21। ठीक है, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई में प्लस हो जाते हैं, तो 3 थ्री जा क्या आएगा 9 आएगा, माइनस नहीं आएगा क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गए प्लस हो गई और यहाँ पर आ गया 2। ठीक है बच्चों, ये 17 का आपका आंसर आ गया। आइए बच्चों हम सॉल्यूशन 18 करते हैं और 18 में देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फाइंड द सम ऑफ एडिटिव इनवर्स एंड, यहां पर मैं लिख रहा हूं ये एंड मल्टीप्लीकेटिव टू इनवर्स, मैं इधर लिख लेता हूं ऑफ 2। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अब कहने का मतलब ये है, देखिए थोड़ा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए फाइंड द सम ऑफ एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 2। अब 2 के एडिटिव इनवर्स लिखना है, फिर उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लिखना है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लिखना है और उसका फिर सम फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले एडिटिव इनवर्स लिखते हैं, तो बच्चों आपको मालूम होगा किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स होता है, जो भी नंबर होता है उसका मिस नेगेटिव यानी उसका उल्टा आप लिख सकते हैं, जैसे ये प्लस है तो इसको हम लिखेंगे माइनस, तो इसका माइनस 2 लिखना है। ठीक है बच्चों, ये एडिटिव इनवर्स हो गया और सम फाइंड करना है तो सम के लिए प्लस का साइन और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है बच्चों,
जो भी होता ना, जो भी नंबर होगा उसका रेसिप्रोकल, जैसे 2 है, 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2, ये हमें लिखना है, ठीक है। इस तरीके से हमें इसको करना होगा। अब 2 के नीचे 1 मान लीजिए, आइए इसको आगे करना शुरू करते हैं। देखिए 2 और 1 का एलसीएम लेंगे, 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, 2 पे चलेगा, 2 2 जा 4, -4 आ गया, और प्लस 2 को 2 से किया डिवाइड, 1 1 1 जा 1 यहाँ पर, और -4 + 1 तो 4 में से 1 को माइनस कर दीजिए, आ जाएगा 3, और बड़े नंबर के सामने माइनस से -3/2, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। आइए अब हम 19 पार्ट पर चलते हैं। यहाँ पर ये मैं लिख लेता हूँ सॉल्यूशन 19, ये देखिए। तो 19 में भी क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, आइए इसको सीधा मैं सॉल्व करूँगा। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं 19 पर, ए रिबन 61 1/4 मीटर लॉन्ग हैज बीन कट इन टू 35 इक्वल पीसीज, ठीक है। इतने मीटर रिबन है, इतना मीटर लंबा रिबन है, उसको 35 पार्ट में डिवाइड किया गया है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस, तो ईच पीस की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। आइए देखिए हमारे यहाँ पर जो रिबन है उसकी लिख लेते हैं यहाँ पर लेंथ, ठीक है, टोटल लेंथ लिख लेते हैं, टोटल लेंथ ऑफ रिबन, इक्वल टू 61 1/4 मीटर, ठीक है बच्चों। अब इसको 35 इक्वल पीसीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके मैं सीधा लिख लेता हूँ यहाँ पर, इसको पहले हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24, यानी 244 आ गया, ये 200 यहाँ पर, ये आप देखें 244 आएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे उसमें 1 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 245 by 4, ठीक है। डिवाइड किया गया है इसको 35 में, ठीक है, 35 पीस बनाए गए हैं, तो 35 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। करना कैसे है देखिए, 245 by 4, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 डिनोमीटर ले सकते हैं, और मल्टीप्लाई का साइन, सॉरी डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज करना है, और नेक्स्ट नंबर का रेसिप्रोकल कर देना है ऐसे, ठीक है। आइए 5 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 5 7 जा 35, 5 से 5 4 जा 20, और 5 9, यहाँ पर 4 बच गया, 20 से 5 45 हो गया, तो 5 9 जा 45, ठीक है, ये आ गया। 7 से फिर कर लेते हैं, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, तो आपका आंसर आ गया, ऊपर 7 है, 7 into 1, 7 1 जा 7, और नीचे 4, ठीक है, ये आ गया। यानी ईच पीस की लेंथ जो होगी 7/4 मीटर होगी। आइए मैं लिख देता हूँ द, यहाँ पर लेंथ ऑफ ईच पीस, ऑफ रिबन, यहां पर मैं लिख देता हूं इक्वल 7/4 मीटर, ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर आ गया। आइए लास्ट पार्ट करते हैं 20। अब यहां पर देखिए 20 में यहां पर एक लाइन ड्रॉ की गई है, मैं इसको आपको लिख रहा हूं, यहां पर दिखा रहा हूं आपको बनाकर, और इसके ऊपर कुछ मार्किंग भी मैं कर देता हूं। यहां पर देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4, ये 5 यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, फिर 1 2 3 4 5 यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है P, ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है P। आइए मैं आपको इसको दिखा देता हूँ एक बार, इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, आप इन द अबव नंबर लाइन, ठीक है, ये नंबर लाइन गिवन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P, P की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है बच्चों। अब देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, P की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए P से आगे कोई होल नंबर तो है नहीं, तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है। यहाँ से लेके अब यहाँ तक आप ये डॉट काउंट कर ले टोटल, तो 1 2 3 4 5, तो जो टोटल डॉट होते हैं वो नीचे आता है। अब P लिखा यहाँ पर कितने पर, 1 2 3, तो 3 आएगा ऊपर, ठीक है बच्चों, मीन्स इसका 3/5 आपका आंसर आ गया, जो P की वैल्यू होगी, P इक्वल 3/5 होगा, ठीक है बच्चों। ये था
एक छोटी सी वीडियो आपके लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लिखिए, पसंद आए तो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और इसमें से सीख कर दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाएं। चलो कदम बढ़ाएं, देश को शिक्षित बनाएं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।